और दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए 69 करोड़ के देशभक्ति बजट में प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा मिला है। विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी दिल्ली में रोजाना 45,000 वैक्सीन लगाने की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 60,000 किया जाएगा। फिलहाल राज्य में ₹250 में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन अब दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार अब अपना शिक्षा बोर्ड शुरू करने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनेगी और बच्चों की पढ़ाई भी उन्हीं मानकों के आधार पर होगी। इसके साथ ही वर्चुअल दिल्ली की थीम पर ऐसा स्कूल बनाया जाएगा जिसमें पढ़ाई चार दीवारों में नहीं बल्कि ऑनलाइन होगी और इसमें दिल्ली के बाहर के बच्चे भी पढ़ सकेंगे जो दिल्ली मॉडल के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। पूरे देश के बच्चे इस वर्चुअल स्कूल से जुड़ सकेंगे। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में बाजार में भी ₹250 में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं एक महीने की तनख्वाह में से अपने महीने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं हैं ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बुराड़ी में संजीव भाई बैठे हैं, बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का काम पूरा हो गया और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। आज दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग अपने आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जिसके लिए उन्हें या तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब से मोटे पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट डॉक्टर के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज इस सदन में मैं एक और इसी दिशा में इसी परिकल्पना पर आधारित एक नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब यह जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास, उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसके बहुत नजदीक, उसके पास विमेन रोग स्पेशलिस्ट हों, महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उसको उपलब्ध हों और संबंधित बीमारियों के टेस्ट और उसकी दवाइयां भी वहां पे निशुल्क उपलब्ध हों। वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज जब वहां कहां खड़े हैं और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, दिल्ली आजाद दिल्ली 100 साल की होगी, तो कहां पहुंचना है, इस संबंध में आजाद देश की राजधानी 100 साल में कहां पहुंचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे और इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5,691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है,
ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया के बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास करी इस बार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।